आज मैं आपको लेकर आ गया लखनऊ के वायरल बाटी चोखा में, जहाँ पर गांव वाले तरीके से कंडों के ऊपर इस बाटी को तैयार किया जाता है और यहाँ की लोकल महिलाओं द्वारा सारा काम विलेज के तरीके से किया जाता है। इनके बाटी चोखा का स्वाद एकदम गांव वाला आता है। यहाँ लोग लखनऊ से नहीं बल्कि पूरे यूपी से यहाँ पे इनका बाटी चोखा खाने आते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस बाटी चोखा को कैसे तैयार किया जाता है और अंदर चल के इनका विलेज वाला एमबीएस देखते हैं। तो नमस्ते भैया, नाम बता दीजिए। प्रदीप तिवारी सर। तो रेस्टोरेंट को कितने साल हो गए? आप 2014 ओपन हुआ था सर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? धनिया की चटनी। तो जैसे आपने गाँव में देखा होगा सिलबट्टे में चटनी पीसी आती है, वैसे ही यहाँ पे बाटी चोखा के लिए यहाँ पे चटनी बनाई जाती है। मिर्ची रहती है, लहसुन रहता है। तुम्हारी बाटी बनने की मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले बड़े से देख सकते हो, यहाँ पे कंटेनर में यहाँ पे उपले डाले जा रहे हैं और इसी के अंदर हमारे यहाँ पे बाटी को तैयार किया जाएगा। तो भैया उपले में क्यों बनाते हैं, कोयले में क्यों नहीं बनाते? कंडे में जो है थोड़ी मॉडर्न जगह बनाई हुई है, बट जो स्वाद होता है आपको एकदम गाँव वाला मिलेगा। और जो उनका सेटअप है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, जैसे कि गाँव के घर होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो भैया यहाँ पे क्या चल रहा है प्रोसेस? यहाँ चने भूज को चला जा रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसे सत्तू बनता है। तो सत्तू के लिए आटा छाना जा रहा है, यहाँ चीज का रहता है चने का है। चने का रहता है। तो देख सकते हो कितनी सारी बाटी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे ही हमारे कंडे यहाँ पे अच्छे से जल जाएंगे उसके बाद बाटी को इसमें डाला जाएगा। तो अंगारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और इसको अच्छे से अब दबा दिया गया है और ये आ गई हमारी बाटी। और बाटी को देख सकते हो यहाँ पे अंगारों के ऊपर यहाँ पे डाल दिया गया है। 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ पे बाटी को अच्छे से सिकने में। तो अंगारों के साथ बाटी को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल तैयार की जाती है मटके के अंदर। स्टील के मटके में नहीं बनते दाल? नहीं। तो भाई देख सकते हो दाल बाटी हमारी यहाँ पे तैयार की जा रही है, दाल मटके के अंदर यहाँ पे तैयार की जाती है। ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है और इसी में हमारे यहाँ पे बैंगन को भुजा जाता है, टमाटर को भुजा जाता है। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए? यहाँ पे बाटी चोखा, दाल, सब्जी भी, पनीर की रोटी, पराठा, खिचड़ी, कढ़ी चावल, दाल पूरी, अरे है स्टार्टर में। और मैंने देखा कि चक्की भी रखी है, वो किस लिए रखी है आप? चना पीसते हैं सत्तू। सत्तू पीसा जाता है। यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च पीसते हैं। आप हल्दी और लाल मिर्च आप पीसते हैं। तो गर्मा गर्म बाटी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, एक एक करके आप देख सकते हो यहाँ पे इसको निकाला जा रहा है। तो भैया इसमें इतना दूध लग गया, इसको कैसे निकालते हैं? बोरा में झाड़ा। अच्छा, बोरा में झाड़ते हैं। बोरा चला जाएगा। तो भाई देख सकते हो गर्मा गर्म बाटी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो भी यहाँ पे धूल लगी होगी उसको साफ किया जाएगा। जितनी भी राख होगी सारी की सारी देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से निकाली जा रही है। तो जो भी हमारी गर्मा गर्म बाटी हुई है इसको यहाँ पे अलग से कंटेनर में निकाल दिया गया है। गाँव में जैसे बनाते हैं वैसा स्वाद आता है। राजस्थान में भी तो बनता है? तो राजस्थान में सत्तू बाटी नहीं बनता है, वो दाल बाटी बनती है वहाँ। अच्छा, दाल बाटी बनता है यहाँ, सत्तू बाटी होता है यहाँ। सत्तू भी है, सादी भी है, पनीर का भी है, सब चीज का। हाँ, तो आप अपने हाथ से बनाते हैं सब बाटी? हाँ, अपने हाथ से हम ही बाटी बनाते हैं। तो देख सकते हो कितना बढ़िया सेटअप है। जैसे कि गांव का सेटअप होता है, गांव में आपने देखा होगा कि कुएं होते हैं, तो गांव में कुएं का सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है। साथ ही साथ आपको चारपाई दिख जाएगी। तो जैसी चारपाई गांव में यूज की जाती है, जैसी चेयर यूज की जाती है, सारा सेटअप यहाँ पे वैसे ही बनाया गया। बाटी चोखा की प्लेट यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। तो सर क्या क्या रहता है इसमें? दो बाटी रहेगी आपकी सत्तू की, अरहर की दाल है जो कंडे पे बनाई जाती है, चोखा रहेगा आलू बैगन टमाटर का, चावल रहेगा ये आपका कम्बो थाली होगा, कम्प्लीमेंट्री में आपका चटनी रहेगा, हरी चटनी है जो धनिया लहसुन की अदरक की बनी रहती है, ये टमाटर चटनी है, ऑनियन है, राइट चिली। तो एकदम गर्मा गर्म बाटी देख सकते हमारे यहाँ पे आ चुकी है और इसको ओपन कर लिया गया है। तो अंदर सत्तू की फिलिंग रहती है। तो साथ में आ गया देसी घी, हमने डाला है देसी घी, और इसको मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे चोखा के साथ। साथ में थोड़ी सी हरी चटनी आ गई और ये आ गई टमाटर की चटनी। इसके साथ आपको यहाँ पे दाल मिल जाएगी जिसको की मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हो। टाइमिंग क्या रहती है? 11:30 ओपन होता है, शाम के 7:30 तक क्लोजिंग टाइम होता है। हफ्ते में कितना दिन लगा दो? पूरा ओपन है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं। रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे लखनऊ? ये बाटी चोखा टेस्ट ऑफ बनारस, गोमती नगर, रेखंड 2/5।